ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं 432,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकरा रही हैं। इससे हर चीज छिन्न भिन्न हो जाएगी। एक दिन हमारी आकाशगंगा के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर हमें अपनी गैलेक्सी को जानना है तो पहले गैलेक्सियों की टक्कर को समझना होगा। हमारे ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड टक्करें गैलेक्सियों यानी आकाशगंगाओं के टकराने से होती हैं। टक्कर मानव स्तर पर देखा जाए तो ये बहुत हिंसक होती है और अपने पीछे बर्बादी और गड़बड़ी छोड़ जाती है। टक्कर जितनी बड़ी होगी तबाही उतनी ज्यादा मचेगी। लेकिन एक बार पृथ्वी से बाहर निकलकर देखें तो इन टक्करों का स्तर इतना बढ़ जाता है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। गैलेक्सियां आपस में टकराती हैं। ब्लैक होल भीषण अग्नि वर्षा करते हुए बुझ जाते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी भी अपने सबसे नजदीकी पड़ोसी एंड्रोमेडा से टकराने के रास्ते पे बढ़ रही है। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि यही भीषण टक्करें हमारे ब्रह्मांड के विकास को आगे बढ़ाती हैं। सिर्फ धीमी रफ्तार से चल रहे क्रमिक विकास का अध्ययन ही उन घटनाओं की जानकारी नहीं देता जिन्हें हम देखते हैं, बल्कि कभी कभी दो गैलेक्सियों के, दो ब्लैक होल के या दो तारों के बीच की प्रचंड टक्कर से भी ये परिणाम निकलता है। कभी कभी ऐसी भीषण दुर्घटनाओं की वजह से भी कुछ अच्छे परिणाम निकलते हैं। हमें इन हिंसक टक्करों के बारे में कैसे पता चला और हम पृथ्वीवासियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है? टेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसी बर्बादी और विनाश के दृश्य देख सकते हैं जिनके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि विश्व पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। हर तरह की अंतरिक्ष की दुर्घटना ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाई है। सबसे बड़ी टक्कर विश्व के सबसे बड़े सदस्यों यानी आकाश गंगाओं के बीच होती है। हम सोचते हैं कि आकाश गंगाओं की टक्कर से विनाश की बहुत बड़ी लहर शुरू हो जाती होगी। तारे टकराएंगे, ग्रह चूर चूर हो जाएंगे और जीवन का हर रूप नष्ट हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई गैलेक्सियों की टक्कर का यही अंजाम होता है? गैलेक्टिक कॉलिजन का मतलब समझने के लिए पहले हमें गैलेक्सी के आकार और संरचना को समझना होगा। ये दरअसल गैस, धूल, ग्रहों और तारों का समूह होती है, बहुत सारे तारों का समूह। गैलेक्सी तारों के शहर की तरह होती है। ये अनगिनत तारों का समूह है जो अरबों वर्षों तक एक साथ रहते हैं और इन्हें इन सभी का सामूहिक गुरुत्वाकर्षण आपस में जोड़े रखता है। हमारी गैलेक्सी यानी आकाश गंगा गैलेक्सी में 100-200 अरब सितारे हैं और ये लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष चौड़ा है, चक्र के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। यानी हम 1,00,000 प्रकाश वर्षों तक सफर करें तो मिल्की वे पार कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, है ना? शायद हम 1 प्रकाश वर्ष की दूरी मापकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। 1 प्रकाश वर्ष उस दूरी के बराबर है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। रोशनी 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की जबरदस्त रफ्तार से चलती है और अगर इसे एक साल के कुल सेकंडों से गुणा किया जाए तो ये लगभग 100 खरब किलोमीटर के बराबर होता है। यानी खगोल विज्ञान में दूरियां इतनी ज्यादा होती हैं कि हमें सिर्फ तारों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्षों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसे दूसरे नजरिए से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि रोशनी की 2,97,600 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती हुई एक किरण को हमारी गैलेक्सी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में 1,00,000 वर्ष लगेंगे। सूर्य की 4.5 अरब वर्षों की उम्र में उसने आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा सिर्फ 20 बार पूरी की है। इन अति विशाल दूरियों के बावजूद हमारी गैलेक्सी के सदस्यों की आपसी टक्कर अक्सर होती रहती है और ये तब से हो रही है जब ब्रह्मांड नया बना था। हमारे ब्रह्मांड में बिग बैंग के बाद से गैलेक्सी बनने का सिलसिला शुरू हो गया, जब सितारों के समूह और इनके बीच मौजूद गैस आपस में गुरुत्वाकर्षण की वजह से जुड़ने लगे। आरंभिक गैलेक्सियां छोटी थी, हमारी आकाश गंगा के 10वें हिस्से जितनी। विश्व की शुरुआती गैलेक्सियां बहुत छोटी थी, बौनी गैलेक्सियां थी, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये छोटी छोटी गैलेक्सियां मिलती गईं और बड़ी बड़ी गैलेक्सियां बनती गईं। ये जुड़ने और फैलने की प्रक्रिया थी। ये छोटी गैलेक्सियां ऐसी अवस्था में थी मानो आरंभिक विश्व के ट्रैफिक जैम में फंसी हों। हमारे विश्व के आरंभिक इतिहास में ऐसी घटनाएं आज के मुकाबले में कई ज्यादा थी क्योंकि गैलेक्सियां एक दूसरे के इतने करीब थी।
छोटी गैलेक्सियां आपस में टकराई और निश्चित आकार की बड़ी गैलेक्सी बन गई। आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारे सौर मंडल का घर है, चक्र के आकार की है। दूसरे आकार है अंडाकार और लेंटिकुलर आकार, दोनों का मिला जुला आकार। खगोल शास्त्री गैलेक्सी के वर्गीकरण का श्रेय एडविन हबल को देते हैं, जिनके नाम पर नासा की महान ऑब्जर्वेटरी का नाम रखा गया, हबल स्पेस टेलीस्कोप। मेरा ख्याल है हबल को बहुत मजा आया होगा। वैसे भी इससे पहले कोई वर्गीकरण था नहीं, तो उन्होंने खुद इसे बनाया होगा। हबल ने गैलेक्सियों के वर्गीकरण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाई। आपको दरअसल क्या देखना होता है कि 90% चीजों को समझकर उन्हें वर्गों में बांटना है, इसीलिए जो बिल्कुल अजीब हैं, उन्हें छोड़ देना है। लेकिन बाकी के 10% का क्या होगा? उन सभी को असमान श्रेणी में डाल दिया जाएगा। कुछ मलबे की विशाल लहरें पीछे छोड़ते हुए चल रहे थे, या यूं कहिए कि कुछ गैलेक्सियां किसी दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन की तरह थीं। बरसों तक ये अजीबोगरीब आकार यूं ही दिखते रहे, लेकिन सवाल फिर भी यही था कि ये अजीब आकार की गैलेक्सियां कैसे बनी होंगी? क्या इनका कोई संबंध कॉस्मिक टक्करों से हो सकता है? उस वक्त ये विषय इतना बड़ा नहीं था। लोगों ने अभी स्पाइरल या चक्राकार और अंडाकार गैलेक्सियों को समझना शुरू ही किया था। हालांकि हबल की सबसे ज्यादा दिलचस्पी गैलेक्सियों को छांटकर वर्गों में बांटने में थी, फिर भी उन्हें लगा कि असमान आकारों वाली गैलेक्सियों के अध्ययन की ज्यादा जरूरत है। उनके ये काम करने के कई दशकों बाद लोगों का ध्यान इस तरफ गया कि उन्हें भी असमान आकारों वाली अजीबोगरीब गैलेक्सियों के बारे में कुछ करना चाहिए। वैज्ञानिकों के मन में ये प्रश्न उठा कि ये असमान गैलेक्सियां ऐसी क्यों हैं? एक सिद्धांत ये था कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ी और टकरावों का नतीजा है। 20, 30 या 40 साल पहले ये एक विवाद बन गया कि क्या वाकई ये हाल ही में हुई किसी टक्कर के बाद का दृश्य था, जैसा अभी दिखाई दे रहा है। आज भी खगोल शास्त्री इस असमान वर्ग का अध्ययन करते हैं। असमान श्रेणी में सब शामिल हो जाते हैं। इसमें वो छोटी गैलेक्सियां भी शामिल हैं, जिनकी गैस की परत में तारों के जन्म के कारण सुराख बन रहे हैं, और इसलिए उनका आकार असमान है। साथ ही इनमें वो गैलेक्सियां भी हैं, जिनमें तारों की आपसी टक्कर के कारण गड़बड़ी का माहौल है। यानी इसमें अलग अलग प्रकार की कई गैलेक्सियों का समावेश हो सकता है। कुछ असमान आकार वाली गैलेक्सियों का टेढ़ा मेढ़ा आकार गैलेक्टिक स्तर के गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव के कारण भी हो सकता है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े पिंड सिर के बल टकरा जाते हैं। असमान आकार की गैलेक्सियां इस बात का सबूत हैं कि सितारों की ये विशालकाय समूह वाकई आपस में टकराते हैं, और इस बात का भी सबूत है कि हमारे ब्रह्मांड में विनाश और गड़बड़ी का ये चक्र चलता रहता है। मगर गैलेक्सियों के अंदर क्या कुछ घटता है और कैसे टक्करें होती हैं? आगे देखिए टकराते सितारे किस तरह पूरे ब्रह्मांड में इन दुर्घटनाओं के निशान छोड़ जाते हैं, और फिर भी खगोल शास्त्री अब तक उन्हें टकराते हुए नहीं देख पाए। असमान आकार वाली गैलेक्सियां इस बात का सबूत है कि गैलेक्सियां आपस में टकराती हैं, पर क्या दूसरे अंतरिक्ष के पिंड भी एक दूसरे से टकराते हैं? हमारा ब्रह्मांड एक बालवाड़ी भी है और एक श्मशान भी। यही विशाल अंतरिक्ष पिंडों के बीच जंग भी लगातार चलती रहती है। जरा एक ऐसे दृश्य के बारे में सोचिए जहां पृथ्वी से लगभग 300 प्रकाश वर्ष दूर दो साथी सितारे एक ही कक्षा में लाखों वर्षों से चल रहे हैं। वक्त के साथ ये दोनों जरा नजदीक आ जाते हैं और लगभग रोशनी की रफ्तार से एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं, फिर धाएं। कुछ ही मिलीसेकंड के अंदर ये नष्ट होकर एक ऐसी आघात तरंग का संचार करते हैं जिससे पृथ्वी की आधी ओजोन परत नष्ट हो जाती है और समाप्त हो जाती है उसके रास्ते में आने वाली हर चीज। खगोल भौतिकविदों के अनुसार अगर पृथ्वी के पास कोई न्यूट्रॉन तारा टकराता है तो उसके परिणाम ऐसे ही होंगे, और इन वैज्ञानिकों के अनुसार 3000 प्रकाश वर्षों की दूरी बहुत ज्यादा नहीं होगी। ऐसा भी एक विचार है कि पृथ्वी पर होने वाली एक या उससे ज्यादा जीवन विनाशक घटनाएं ऐसी ही किसी टक्कर का नतीजा रही होंगी। तारों की सबसे जबरदस्त टक्करें अक्सर न्यूट्रॉन तारों के बीच होती हैं। न्यूट्रॉन तारे उन पुराने विशाल तारों के अवशेष हैं जिनका ईंधन समाप्त तो हो चुका है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये टूट के गिर जाते हैं। इनके केंद्र में बहुत ही
सघन गर्भ का निर्माण होता है। ये इतना सघन होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में धकेल दिए जाते हैं और वो न्यूट्रॉन बन जाते हैं। इस तरह जो न्यूट्रॉन तारा बनता है वो किसी तारे का अवशेष या अस्थियों की तरह होता है। लेकिन इन अस्थियों में अब भी कुछ जान बाकी होती है और न्यूट्रॉन तारे बनने के बाद ये आपसी गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे की परिक्रमा करने लगते हैं और बाइनरी जोड़ी कहलाते हैं। लाखों वर्षों तक ये जोड़ी एक सेकंड में लगभग 1000 बार एक दूसरे का चक्कर काटती है। इनमें से गुरुत्वाकर्षण की तरंगें निकलती हैं जो इस प्रणाली से ऊर्जा को बाहर प्रवाहित करती हैं और यहाँ तक कि ये इतने नजदीक पहुँच जाते हैं कि इनके घूमने के लिए कोई स्पष्ट स्थायी कक्षा नहीं बचती। और अंत में जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तब इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि हमारा सूर्य अपने पूरे जीवन काल में इतनी ऊर्जा नहीं बना पाता, मगर ये टकराव इतने तेज होते हैं कि हमारे टेलीस्कोप उन्हें देख नहीं पाते। न्यूट्रॉन तारों की ये टक्कर सेकंड के हजारवें हिस्से में ही पूरी हो जाती है, बस खत्म। बस एक बार छुआ तो ये गए, खेल खत्म। उनके इस टकराव से एक विशाल आघात तरंग अंतरिक्ष में फैल जाती है। पृथ्वी पर इस टकराव को एक छोटी सी गामा किरण की बौछार या GRB के रूप में पहचाना जाता है। GRB ब्रह्मांड में बहुत ही छोटी अवधि की बेहद शक्तिशाली घटना होती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने हाल ही में GRB का मतलब समझना शुरू किया है। हर रोज आसमान में कई बार गामा किरणें चमक उठती हैं और हम पूरे आसमान में हर वक्त गामा किरणों की तलाश करते रहते हैं। हमें लगभग पिछले 40 वर्षों से इनके बारे में जानकारी है। अमरीकी वायुसेना ने बरसों पहले GRB को खोज लिया था, तब वैज्ञानिकों को इनके अस्तित्व का पता भी नहीं था। गामा किरणों की ये बौछारें अमरीकी सैन्य सैटेलाइट द्वारा अचानक पकड़ी गईं। सन 1950 के दशक में जब ड्वाइट आइजनहावर ने टेस्ट बैन संधि की तभी इनका पता चल सका। परमाणु परीक्षण निषेध संधि अमरीकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने शुरू की थी, जिसकी वजह से परमाणु विस्फोटों का पता लगाने के लिए सैन्य सैटेलाइट बनाए गए। वायुसेना ने पहला वेला सैटेलाइट सन 1963 में प्रक्षेपित किया। सैटेलाइट की यह श्रृंखला दूसरी कई चीजों के साथ साथ गामा किरणों को पकड़ने के लिए बनाई गई थी। इनमें गामा किरणों के शोधक लगे हुए थे। ऐसे विस्फोटों से निकलने वाली किरणों के बादलों में गामा किरणें भी होती हैं। इन्हीं गामा किरणों के शोधक यंत्रों ने अंतरिक्ष में होने वाली गामा किरणों की बौछारों को सबसे पहले पकड़ा था। सन 1969 में वायुसेना के एक विश्लेषक रे क्लिपसेडल को वेला से मिले डेटा में गामा किरणों के अजीब से उछाल दिखाई दिए। इनकी तीव्रता और अवधि के कारण इन्हें पृथ्वी या सूर्य की किसी भी घटना से नहीं जोड़ा जा सका, तो उन्होंने ये सोचा कि ये कहीं न कहीं से तो आ रही हैं। सन 1973 में जब रे क्लिपसेडल ने आखिर अपने शोध को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की मीटिंग में जाहिर किया तो उनके पास 16 गामा किरणों की बौछारों की पक्की जानकारी थी, मगर GRB के गहरे अध्ययन के लिए ज्यादा विकसित उपकरणों की जरूरत थी। सन 1991 में नासा ने कॉम्प्टन गामा रे ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की। यह अंतरिक्ष सैटेलाइट सिर्फ GRB ढूंढने के लिए ही बनाया गया था। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि वो किसी GRB को घटित होते हुए पकड़ पाएंगे। क्या GRB अंतरिक्ष की किसी टक्कर का परिणाम था? कॉम्प्टन गामा रे ऑब्जर्वेटरी ने हजारों गामा रे बर्स्ट पकड़े और ये साबित कर दिया कि ये हर वक्त होते रहते हैं, पर सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये गामा किरणों की बौछार को पकड़ते ही टेलीस्कोप द्वारा उस दृश्य की तस्वीरें खींचने का सबसे अच्छा उपाय था, क्योंकि ये बहुत जल्द गायब हो जाते हैं। दरअसल GRB कुछ ही दिनों में पूरी तरह गायब हो जाते हैं। 5 4 3 2 1 इग्निशन, और ये नासा का स्विफ्ट अंतरिक्ष यान उड़ चला पूरे विश्व की गामा किरणों की बौछारों को ढूंढने और समझने के लिए। सन 2004 में नासा ने अंतरिक्ष में छोड़ा स्विफ्ट टेलीस्कोप ताकि वो GRB को बेहतर ढंग से ढूंढकर जल्द से जल्द उनकी तस्वीर खींच सके। स्विफ्ट एक सैटेलाइट है जिसमें गामा किरणों का विशाल शोधक यंत्र है जो गामा किरणों की सही दिशा पहचान सकता है। गामा रे फ्लैश मिलते ही ये धरती को इसके स्थान का संदेश भेज देता है और फिर उसी दिशा में अपना एक्सरे टेलीस्कोप घुमा देता है। सन 2005 में स्विफ्ट ने एक ऐसी बौछार पकड़ी, फिर एक मिनट से भी कम समय में उसकी चमक को देखने के लिए अपनी दिशा बदल ली।
उधर स्विफ्ट ने जीआरबी के कोऑर्डिनेट धरती पर लगे टेलीस्कोप के नेटवर्क को भेज दिए। इनमें से एक टेलीस्कोप पैलोमर पर्वत शिखर के पास सैन डिएगो कैलिफोर्निया में स्थित है। पैलोमर ऑब्जर्वेटरी ने इस डेटा को अपना हिसाब किताब करके 12 अलग अलग संस्थानों के साथ मिलाया। इन सब ने मिलकर छोटी गामा किरणों की बौछार का कारण पहचान लिया, न्यूट्रॉन तारों की टक्कर। क्योंकि तारों की टक्करें सेकंड से कुछ घंटों तक ही चलती हैं, इसलिए उनका ज्यादातर हिस्सा राज ही रहता है। असल टकराव की घटना ज्यादा लंबी नहीं होती, इसी वजह से कम हमारे जीवन काल में ये बात संभव नहीं लगती कि हम दो तारों को टकराते हुए देख पाएंगे, पर हम इसके प्रभाव को जरूर देख सकते हैं। हालांकि खगोल शास्त्रियों ने तारों को टकराते हुए नहीं देखा है, फिर भी उन्हें पता है कि ऐसा होता है, क्योंकि तारों की इन हिंसक टक्करों के अवशेषों के परीक्षण से ये साबित हो चुका है। सिर्फ न्यूट्रॉन तारे ही हिंसा का नजारा पेश नहीं करते, छोटे शिशु तारे भी अंतरिक्ष में तबाही मचा सकते हैं। तारों का जीवन हिंसा से भरा होता है, सिर्फ बाइनरी न्यूट्रॉन तारों का ही नहीं, लगभग सभी तारों का। उनका निर्माण ही विनाश से शुरू होता है। तारे का हलचल भरा जीवन परमाणु बादल के खत्म होने पर शुरू होता है। ये अंतर तारकीय गैस का सघन इलाका होता है। इस बादल से ही तारे बनते हैं, ग्रह नक्षत्र बनते हैं, हमारा सौर मंडल भी इसी से बना था। परमाणुओं से बने ये बादल और बड़े होते जाते हैं, क्योंकि इनके गुरुत्वाकर्षण से और ज्यादा गैस और कण इनकी तरफ खींचते जाते हैं। इनकी सघनता इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये तारे बन जाते हैं। कभी कभी कोई बाहरी बल जैसे परमाणु बादलों का टकराव या सुपरनोवा से पैदा हुई आघात तरंगें भी इन बादलों को दबाकर तारों में बदल देती हैं। जैसे ही ये दबकर टूटते हैं, इनका केंद्रीय भाग घना और घना होता जाता है और इनका गर्भ भी गर्म होता जाता है। हाल के शोध से पता चला है कि पहला तारा बिग बैंग के 10 करोड़ साल बाद ही बना था। इन आरंभिक तारों में से कुछ तो खगोल शास्त्रियों के अनुसार आज भी हमारी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी में मौजूद हैं। आज शोधकर्ताओं का ध्यान तारों के उन समूहों पर केंद्रित है जिन्हें ग्लोबुलर क्लस्टर कहते हैं। जो शोधकर्ता तारों की टक्कर का अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए ग्लोबुलर क्लस्टर सही जगह है। सितारों के ये घने समूह इनकी बढ़िया रणभूमि होते हैं। जैसे हम भीड़ भरे शहरों में रास्तों पर चलते वक्त लोगों से टकरा जाते हैं, उसी तरह तारे जब भीड़ में एक दूसरे के पास होते हैं तो वो भी आपस में टकरा जाते हैं। ब्रह्मांड की 100 अरब गैलेक्सियों में से हर एक में लगभग 30 ग्लोबुलर समूह हैं। इससे हिसाब लगाने पर तारों की टक्करों की संख्या अनगिनत हो जाती है। अगर आप विश्व की सारी गैलेक्सियों को गिन लें, सारी सैकड़ों सैकड़ों अरबों गैलेक्सियां, और फिर पूछें कि इनमें से कितने इलाके हैं जहां तारों की टक्कर हो सकती है, तो ये आंकड़ा बहुत बहुत बड़ा होगा। ग्लोबुलर समूहों के एक रहस्य की वजह से खगोल शास्त्री एक बहुत ही बड़ी खोज कर सके। सन 1953 में खोजा गया एक बहुत ही चमकदार तारों का ग्लोबुलर समूह 40 वर्षों से शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बना हुआ था। उन्होंने इन अजीब तारों का नाम ब्लू स्ट्रैगलर रख दिया। इन ब्लू स्ट्रैगलर के कुछ अजीब से गुण होते हैं। इन्हें स्ट्रैगलर इसलिए कहा गया है क्योंकि समान आकार के दूसरे तारों की तरह ये अभी क्रमिक विकास के बाद वाले स्तर तक नहीं पहुँचे हैं, इसलिए स्ट्रैगलर हैं। और नीले इसलिए हैं क्योंकि ये समूह के दूसरे मुख्य श्रेणी के तारों से ज्यादा गर्म हैं। लगता है ब्लू स्ट्रैगलर तारों ने हमेशा जवान बने रहने का कोई नुस्खा ढूंढ लिया है। वैज्ञानिक सोच में पड़ गए हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप सन 1990 में ग्रह कक्षा में छोड़ा गया और इसने इस प्रश्न का उत्तर देने में अहम भूमिका निभाई। हबल का रेजोल्यूशन इतना बढ़िया है कि अगर आप न्यूयॉर्क से टोक्यो तक देखें तो आपको दो प्रकाश बिंदु भी दिखाई देंगे। इतना अच्छा रेजोल्यूशन है इस टेलीस्कोप का। हबल के लेंसों ने ब्लू स्ट्रैगलरों की विस्तृत तस्वीरें खींची, जिससे वैज्ञानिकों को उनके कई रहस्य समझ में आने लगे। यानी इन तारों को अलग अलग देख पाने पर फिर इनके बारे में सारी जानकारी जुटाई जा सकी, जैसे ये कितनी तेजी से घूमते हैं, इनका वजन कितना है, इनका तापमान कितना है, वगैरह वगैरह। खगोल शास्त्रियों को पता चला कि ब्लू स्ट्रैगलर का ज्यादा वजन, तेज घूमने की दर और ऊंचा तापमान सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। आज हमारा ख्याल है कि बहुत संभव है कि एक ब्लू स्ट्रैगलर दो सितारों के जुड़ने से बना हो,
और ये मिलन शायद टकराव के जरिए हुआ होगा, सीधी टक्कर से, यानी दो सितारों के आपस में टकराने से। या फिर हो सकता है ये दो तारे किसी बाइनरी सिस्टम का हिस्सा रहे हों, जहां ये अपने केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण के चारों तरफ चक्कर काटते हों। उदाहरण के तौर पर मुख्य श्रेणी का एक तारा लगभग 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरे तारे से जा टकराता है। ये दूसरे तारे को खोदता हुआ आगे बढ़ता है, जिससे गैस और मलबे की एक विशाल लहर अंतरिक्ष में उछलती है। फौरन ये तारा फूल उठेगा, फिर तेजी से ऊर्जा खर्च करेगा। तारों को इस हिंसक मिलन के बाद शांत होकर ब्लू स्ट्रगलर बनने में 1 करोड़ वर्ष तक लग सकते हैं। हमारे लिए ये इस बात का पहला सबूत था कि सितारे वाकई एक दूसरे से टकरा सकते हैं, और ये उनके जीवन की एक खास प्रक्रिया होती है। तारों के टकराव को एक सिद्धांत से पूरी सच्चाई बनकर सामने आने में कई दशक लग गए, लेकिन जहाँ तक गैलेक्टिक टक्करों का सवाल है, उनमें आपस में टकराते तारे तो एक झलक भरे हैं। अंतरिक्ष में टक्करें ब्रह्मांड की सच्चाई हैं, नियम हैं, और ये टक्करें हर स्तर पर होती हैं, धूल के उस छोटे कण तक जो अंतरिक्ष में तैर रहा है। हमारे अपने सौर मंडल में भी हमें जो भी ग्रह, जो भी चीजें दिखाई देती हैं, वो सभी टक्करों के कारण बनी हैं। धूल मिलकर रेत बनी, रेत से कंकड़, कंकड़ से पत्थर, पत्थर से चट्टान, चट्टान से छोटे प्लैनेटेसिमल्स, एस्ट्रॉइड्स और फिर ग्रह। यानी हमारे मूल में भी टकराव हैं। गैलेक्सियां बहुत ही हिंसक जगह हैं। ये तारों को जन्म देती हैं, उनका भक्षण करती हैं और फिर से उन्हें पुनर्जीवित करती हैं। गैलेक्सियां आपस में टकराती हैं और गैलेक्सियों में मौजूद तारे भी। लेकिन क्या और भी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अनजाने ही टकरा सकते हैं? अंतरिक्ष की ये टक्करें सिर्फ बड़े पिंडों की आपसी टक्कर तक ही सीमित नहीं रहती, कभी कभी जबरदस्त ऊर्जा से भी टक्कर हो जाती है। जानलेवा ऊर्जा, ये जानलेवा किरणें एक अति विशाल रहस्यमय चीज से निकलती हैं, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा डेथ स्टार गैलेक्सी या मृत तारों की गैलेक्सी कही जाने वाली इस जगह से एक घातक क्वेसार किरण पड़ोस की छोटी गैलेक्सी पर वार कर रही है। दरअसल होता यूं है कि किसी ब्लैक होल से एक जेट तरंग निकलती है, जिसकी रफ्तार लगभग रोशनी की रफ्तार जितनी होती है, और वो जेट तरंग अपने रास्ते में आने वाले साथी गैलेक्सी पर वार करती है, जिससे उस गैलेक्सी के पृथ्वी जैसे किसी ग्रह पर रहने वाले प्राणी पर बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। नजदीक के ग्रह जीवनहीन हो जाएंगे, जो थोड़े दूर होंगे उनके वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचेगा। ये वाकई अति विशाल ब्लैक होल के त्रास से बचने वाले असाधारण ग्रह हैं। सुनने में ये विज्ञान कथा लगती है, पर ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है। शुक्र है हमारी गैलेक्सी में नहीं, बल्कि ये विनाशकारी दृश्य इस समय गैलेक्सी 3C321 में चल रहा है, जो हमसे बहुत बहुत दूर है, तकरीबन 1.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर। ये पहला मौका है जब खगोल शास्त्रियों ने एक ब्लैक होल को अपनी साथी गैलेक्सी पर जेट प्रहार करते हुए देखा है। लेकिन इस घटना से कई सवाल खड़े हो जाते हैं, जिनमें सबसे पहला ये है कि ब्लैक होल क्या है, और क्या हम पृथ्वीवासियों को इसके मृत्यु किरण से खतरा है? ब्लैक होल दरअसल गड्ढे नहीं होते, बल्कि ये बेहद सघन और विशाल पिंड होते हैं। ब्लैक होल इतने सघन होते हैं और इनका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि इनसे कुछ भी बच के नहीं निकल सकता, यहाँ तक कि रोशनी भी। कई टेलीस्कोपों से एक साथ देखने पर ही इस अनूठी चीज का पूरा चित्रण करना संभव हो पाता है। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से प्राप्त जानकारी की छानबीन करके ही हम ब्लैक होल का सटीक अध्ययन कर सकते हैं। उस तस्वीर का एक हिस्सा इस टेलीस्कोप से लिया गया था। ये VLA या वेरी लार्ज एरे न्यू मेक्सिको में है। VLA एक रेडियो टेलीस्कोप होता है जो 27 डिश एंटेनाओं से बनता है और हर एक का वजन 230 टन होता है। ये एंटेना अंग्रेजी के Y अक्षर के आकार में लगाए जाते हैं और Y की हर एक बाजू करीब 20 किलोमीटर लंबी होती है। VLA खास तौर पर ब्लैक होल ढूंढने में माहिर है, जैसा कि एक हमारी अपनी गैलेक्सी में मौजूद है। ये सूर्य से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा बड़ी चीज है और इससे कई तरह की घटनाएं होती रहती हैं। पर हमारे और ब्लैक होल के बीच मौजूद गैस और धूल के कारण विजिबल लाइट टेलीस्कोप इन्हें नहीं देख पाते। लेकिन VLA की रेडियो तरंगें पकड़ने की क्षमता इन्हें अंतरिक्ष के मलबे के पार ढूंढ पाने में मदद करती है। सिर्फ रेडियो टेलीस्कोप और इंफ्रारेड टेलीस्कोप से ही इनका अध्ययन किया जा सकता है। जैसे रोशनी वाले टेलीस्कोप रोशनी की तरंगों को इकट्ठा करके तस्वीर बनाते हैं, वही सिद्धांत हम रेडियो तरंगों में भी इस्तेमाल करते हैं।
ऑप्टिकल और शॉर्ट वेवलेंथ इन इलाकों को अंदर से नहीं देख पाती, पर रेडियो तरंगें ये काम कर सकती हैं। और इस सुविधा की तरह लंबी तरंगें या लॉन्ग वेवलेंथ इस्तेमाल करने वाले खगोल शास्त्री इन इलाकों की गहराइयों में झांक सकते हैं जहां बाकी सभी तरंगें नहीं पहुंचती। ज्यादातर गैलेक्सियों के बीच में अति विशाल ब्लैक होल होते हैं। ये हमारे सूर्य से 10 लाख से लेकर 1 अरब गुना तक भारी हो सकते हैं। इतने ज्यादा वजनदार होने के बावजूद हम इन्हें पहले देख नहीं पाते थे, तो आखिर हमें ये कैसे पता चला कि वो वहाँ हैं? जब पदार्थ ब्लैक होल के अंदर की तरफ बहते हैं तो ये नाली में पानी जाने जैसा होता है। ये नीचे जाते हुए गोल गोल चक्कर काटते हैं और घर्षण बलों की वजह से गर्मी और रोशनी पैदा होती है। ये रोशनी इतनी तेज और इतनी ऊर्जापूर्ण होती है कि उससे एक्स किरणें बन जाती हैं। इस कुएं में जब चीजें गिरकर गायब होने लगी तब 18वीं सदी के खगोल शास्त्रियों को लगा कि यहाँ कोई अदृश्य तारा होगा। सन 1783 में रेवरेंड जॉन मिचेल ने बड़ी खूबसूरती से घटनाओं के क्षितिज का विचार पेश किया। मिचेल ने दिखाया कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज है जिससे ज्यादा रोशनी नहीं निकलती तो उसकी एस्केप वेलोसिटी रोशनी की रफ्तार जितनी होनी चाहिए। ये रोशनी को कैद कर लेगी और खुद अदृश्य हो जाएगी, यानी अंधेरे में रहेगी। यही घटना क्षितिज या इवेंट होराइजन का सिद्धांत था। एल्बर्ट आइंस्टाइन के सहयोगी जॉन व्हीलर ने पहली बार सन 1967 में सुझाया ये नाम ब्लैक होल। तब तक ये सिर्फ एक सिद्धांत था। वैज्ञानिकों को तो ये एहसास भी नहीं था कि उन्हें उनका पहला ब्लैक होल मिल चुका है। इसका सबूत थी एक्स किरणें और ब्लैक होल द्वारा पैदा की गई अदृश्य ऊर्जा। सन 1971 में एक्स किरणों का स्रोत एक विशाल नीले तारे में पाया गया। सन 1971 में ही बाद में हम ये देखकर हैरान रह गए कि ये विशाल तारा इतना बड़ा था कि ये एक्सरे स्रोत के बड़ी तेजी से चक्कर काट रहा था। इस तेज रफ्तार का मतलब ये हुआ कि वो एक्स किरणों का स्रोत हमारे सूर्य से 3 गुना ज्यादा बड़ा था, और इससे ये पता चल गया कि वो एक ब्लैक होल ही था। शायद ब्लैक होल के अध्ययन में सबसे बड़ा वरदान नासा की एक और महान ऑब्जर्वेटरी चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी बनने से मिला। हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हम एक्सरे एस्ट्रोनॉमी जमीन से क्यों नहीं करते, क्योंकि जाहिर है टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजने में जोखिम और खर्च भी ज्यादा है, और ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। दरअसल पृथ्वी का वातावरण एक्स किरणों के लिए अनुकूल नहीं है। ये सितारों और दूर दूर की गैलेक्सियों से आने वाली एक्स किरणों को रोक देता है। इसलिए अगर एक्सरे एस्ट्रोनॉमी करनी है तो अंतरिक्ष में जाना होगा, और चंद्रा अब तक का सबसे सक्षम एक्सरे टेलीस्कोप है। चंद्रा खास तौर पर विश्व में उन जगहों और चीजों को देखने के लिए बढ़िया है जहां बहुत ही उथल पुथल और हलचल भरा माहौल हो, और ऐसी स्थिति में एक्सरे जरूर बनती हैं और यही उनकी पहचान बनती है। उदाहरण के तौर पर ब्लैक होल में गिरती हुई चीजें, सुपरनोवा बनकर फूटते हुए तारे, बड़ी बड़ी गैलेक्सियों की टक्कर और इसी तरह की विश्व स्तर की दुर्घटनाओं का अध्ययन करने में चंद्रा बहुत कुशल है। जब भी कोई बड़ा पिंड बहुत गर्मी पैदा करता है तब एक्स किरणों का भी संचार होता है। न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल सूर्य की एक्स किरणों के मुकाबले 1,00,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली एक्स किरणें पैदा कर सकते हैं। चंद्रा ने डेथ स्टार गैलेक्सी में चल रही घटनाओं के बारे में जानने में खगोल शास्त्रियों की बहुत मदद की। चंद्रा ने हमारी बहुत मदद की। चंद्रा ने हमें केंद्रीय ब्लैक होल के स्रोत दिखाए, इसने हमें ये एक्स किरण जेट दिखाया, और इसी जेट पर डेथ स्टार गैलेक्सी का नाम भी पड़ा, क्योंकि इस जेट का मुंह सीधा साथी गैलेक्सी की तरफ है। यहाँ आप ऊर्जा और दूसरे कणों के पड़ोस के साथी गैलेक्सी पर बहुत ही साफ साफ वार के प्रभाव भी देख सकते हैं। अंतरिक्ष की ज्यादातर टक्करों की तरह यहाँ भी आशा की एक किरण है। एक बार डेथ स्टार जेट द्वारा पड़ोसी गैलेक्सी नष्ट किए जाने के बाद फिर से तारों और ग्रहों के जन्म का नया सिलसिला शुरू हो जाता है। ये सारा खेल विश्व के जीवन और मरण के चक्र का एक हिस्सा है। जरूरी नहीं कि ब्लैक होल अंतरिक्ष के तोप गोलों की तरह हो। ये पूरे विश्व में अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को हजम करते हुए नहीं घूमते, बल्कि ब्लैक होल की आखिरी विरासत से जन्म का आरंभ भी होता है और जीवन का विनाश भी। हमारा सौर मंडल अब तक तो इन मृत्यु किरणों से बचने में सफल रहा है, पर वो एक विशाल गैलेक्टिक विपत्ति की तरफ भी धकेल दिया गया है। दूर भविष्य में कहीं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और उसकी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा आपस में टकराएंगे, पर क्या ये टक्कर नई उत्पत्ति का स्रोत होगी या फिर विनाश की?
लेकिन इस तरह की गैलेक्टिक टक्कर का क्या मतलब है? लगता है हमें सबसे ज्यादा खतरा उन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर से टकराने से है जिन्हें हम तारे कहते हैं। अगर कोई तारा हमारे सोलर सिस्टम के काफी पास आ जाए तो वो हमारी तरफ कॉमेट भेज सकता है, और अगर ज्यादा पास आ गया तो वो पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा की कक्षा को बिगाड़ सकता है और इससे जीवन का अंत हो जाएगा, क्योंकि इससे या तो सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा या जम जाएगा अगर हम सूर्य से दूर धकेल दिए गए। मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सियों की टक्कर आरंभिक विश्व में उसी दिन तय हो गई थी जब इन दोनों का जन्म पास पास हुआ था। जो चीजें एक दूसरे में समा जाती हैं वो जन्म से ही जुड़ी होती हैं। वो आखिर एक साथ मिल जाती हैं, और जो जन्म से अलग अलग होती हैं वो मिलती नहीं बल्कि और दूर चली जाती हैं। लगातार फैलते ब्रह्मांड में ज्यादातर गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और ऐसा लगता है कि वो सभी गैलेक्सियां जो हमसे दूर हैं वो और भी दूर चली जाएंगी और एक निश्चित समय में हमारी दृष्टि से ओझल हो जाएंगी। मगर सिर्फ एंड्रोमेडा इनसे अलग है, वो गैलेक्सी हमारी पड़ोसी है, हमारी साथी है। एंड्रोमेडा और आकाश गंगा के गुरुत्वाकर्षण ने अतीत में किसी वक्त में उन दोनों के बीच मौजूद रिसीडिंग वेलोसिटी को पलट दिया, और इसलिए अब ये दोनों गैलेक्सियां एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं क्योंकि उनके बीच आपसी आकर्षण है। ये आपस में टकराने वाली हैं। लगता है ये सीधे एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, और ये हमारे लिए काफी गंभीर स्थिति है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी अगले 5 अरब वर्षों में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा जाएगी। लेकिन भविष्य में होने वाली इस टक्कर का क्या सबूत है? एंड्रोमेडा से आने वाले प्रकाश संदेश इसके बढ़ते कदमों का सबसे तगड़ा सबूत है। ये वही चीज है जो आतिशबाजी को रंगीन बनाती है। किसी खास रंग को देखिए तो आप जान जाएंगे कि वो लोहे या ऑक्सीजन या गंधक की वजह से है। आपको पता होता है कि वो कौन सा रंग होना चाहिए, फिर आप मिला के देख सकते हैं क्या वो नीला है या फिर लाल। अगर वो नीला है तो शायद वो सीधे आपकी तरफ आ रही है, और अगर वो लाल है तो इसका मतलब वो और दूर जा रही है। आप अगर एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखें तो उसका नीला रंग बदल गया है और वो कई 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रही है। वो हमारी ओर बड़ी तेजी से आ रही है। लेकिन जरा रुकिए, इस टक्कर का एकमात्र परिणाम पृथ्वी पर जीवन का विनाश ही हो ये जरूरी नहीं है, और इसकी ही सबसे ज्यादा संभावना हो ऐसा भी नहीं है। तो फिर 2 अरब साल बाद जब ये दोनों गैलेक्सियां एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगेंगी तो क्या होगा? गैलेक्सियां इतनी बड़ी होती हैं और इनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि इनमें टक्कर के शुरू से अंत होने तक लाखों अरबों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए खगोल शास्त्रियों को आसमान में इनकी थोड़ी बहुत झलक ही मिल पाती है। पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए वो सिमुलेशन पर ही निर्भर रहते हैं। हमें ब्रह्मांड में होने वाले गैलेक्सियों के टकराव की जो भी झलक मिलती है वो असल में बहुत लंबी श्रृंखला की एक छोटी सी कड़ी के समान होती है, और ऐसी सिमुलेशन से हम इन अलग अलग परिस्थितियों को जोड़ सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कैसे ये पास आती हैं, कैसे गुजर जाती हैं, कैसे ज्वार की ऊंची लहरें उठती हैं, और आखिर में ये कैसे आपस में टकरा जाती हैं और कैसे सब कुछ आपस में मिल जाता है। 1970 के दशक में एस्ट्रोफिजिसिस्ट भाइयों अलार और यूरी टूमरे ने चक्राकार गैलेक्सियों की टक्कर का पहला समदृश्य तैयार किया। उनके सिमुलेशन में टकराती गैलेक्सियों में देखे गए सारे बदलावों की नकल दिखाई गई, उनका पूरा घटनाक्रम, हर एक चरण की बारीकियां, गैलेक्सियों के पास आने से आपस में मिलने तक। ये टूमरे सीक्वेंस कहलाती है। आज फ्रैंक समर और बाल्टीमोर मैरीलैंड स्थित स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के खगोल भौतिकविदों ने अत्याधुनिक विजुअल इफेक्ट प्रोग्रामों और कंप्यूटर के बैंकों की मदद से इन गैलेक्टिक टक्करों को संकुचित करके प्रति सेकंड में 1 करोड़ वर्षों की गैलेक्टिक घटनाओं को दिखाया। ये उनके पास आने से शुरू होता है। 2 चक्राकार गैलेक्सियां एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि टकराने से पहले तक कोई टाइडल लहरें उठती हुई दिखाई नहीं देती। मुझे इस चित्रण को देखकर ये बात बहुत अजीब लगी। हाँ, अब तक ये बिल्कुल एक समान है, यानी देखा जाए तो सिर्फ टाइडल लहरें उठने के बाद ही टूमरे सीक्वेंस शुरू होता है। ठीक है, और फिर जब ये यहाँ पर पहुँचती है तब पहले तो पास से गुजर जाती है और फिर वापस एक साथ मिल जाती है। इस सिमुलेशन में टकराती चक्राकार गैलेक्सियों के बीच जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण दिखाई देता है। तारों और गैसों की विशाल लड़ियां दूर अंतरिक्ष में उछाली जाती हैं। इन्हें टाइडल टेल कहते हैं। ये नाटकीय दृश्य टकराती गैलेक्सियों की तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, जैसे एंटेनाई गैलेक्सी और माइस के बीच।
खगोल शास्त्रियों का अनुमान है कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे की टक्कर भी ऐसे ही कटाव के चरण से गुजरती हुई आगे बढ़ेगी। ये टाइडल टेल दरअसल आकाशगंगा की बाहरी परतों के टूटकर बिखरने का नतीजा है। हमारी आकाशगंगा एक पतली, कमजोर, नाजुक सी गैलेक्सी है और एंड्रोमेडा हमसे काफी बड़ी गैलेक्सी है, इसलिए जब ये हमारे पास से गुजरेगी तो इसके गुरुत्वाकर्षण के घेरे के शक्तिशाली बल आकाशगंगा को चीर देंगे। लेकिन जब 2 अरब वर्षों के बाद ये दोनों गैलेक्सियां नजदीक आएंगी तब ये दृश्य टकराव कम और पेंडुलम का झूला ज्यादा लगेगा, क्योंकि मोमेंटम इन गैलेक्सियों को एक दूसरे से आगे निकल जाने देगा और गुरुत्वाकर्षण इन्हें फिर नजदीक खींच लाएगा। ये आगे बढ़ती जाएंगी क्योंकि इनकी गति इन्हें आगे ले जाएगी, और जब ये एक दूसरे से दूर निकल जाएंगी तब एंड्रोमेडा गैलेक्सी और आकाशगंगा गैलेक्सी धीमी पड़ जाएंगी। उनके बीच मौजूद गुरुत्वाकर्षण की वजह से उनकी रोटेशनल वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और आखिर में वो पलटकर फिर एक दूसरे के करीब से गुजरेंगे। आज से 4.5 अरब साल बाद एक बार फिर ये गैलेक्सियां एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी और इस बार ये सीधी टक्कर होगी। इन दोनों चक्राकार गैलेक्सियों के ये खूबसूरत आकार इस टक्कर के बाद शायद पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। ये खींचकर बहुत लंबी टाइडल टेल बनाएंगे और फिर जब दोनों की टक्कर होगी तब इन सारे तारों की कक्षाएं बिगड़ जाएंगी। उसके बाद जो आकार बनेगा वो बीच में अंडाकार होगा और ये लंबी टाइडल टेल अरबों वर्ष के बाद फिर इनकी तरफ खींची चली जाएंगी। ये टक्कर अब एक मिलन बन गया है। अब जब बीच के हिस्सों का मिलन हो रहा है तब आपके पास बीच में एक बड़ी सी गैलेक्सी होगी और बाहरी टाइडल टेल लगभग 500 करोड़ वर्षों में फीकी पड़ के अंदर लौट आएंगी और तब हमें एक ही गैलेक्सी दिखाई देगी। आप देख सकते हैं यहाँ कैसे आपस में ये मिल गई हैं और इस वक्त दोनों का एक ही मध्य भाग है। अब भी कुछ टाइडल टेल बाकी हैं जो वक्त के साथ साथ फीकी पड़ जाएंगी और अगर हम इसे और बाहर की तरफ ले जाएं तो हमें ये एक ही चीज की तरह दिखेगी और तब ये एक ही बड़ी सी अंडाकार गैलेक्सी दिखाई देगी। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि ब्रह्मांड की सारी अंडाकार गैलेक्सियां ऐसी ही गैलेक्टिक टक्करों का नतीजा है, लेकिन इन टक्करों के दौरान इस हिंसक प्रक्रिया से गुजरते समय इन गैलेक्सियों के अंदर क्या कुछ होता है और हमारे ग्रह पर इस महाप्रलय का क्या प्रभाव पड़ेगा? टकराती गैलेक्सियों की ये तस्वीरें किसी अलौकिक दिव्य सपने की तरह लगती है। मकड़ी के जालों की तरह फैली ये टाइडल टेल एक दूसरे की परिक्रमा करते गैलेक्टिक गर्भ आपसी आकर्षण में बंधे हुए हैं। लेकिन क्या ये खूबसूरत तस्वीरें उस विनाश को छिपा रही हैं जिसमें आपस में टकराते तारे, ग्रह, नक्षत्र और चांद चूर चूर होकर अंतरिक्ष की धूल बन जाएंगे? गैलेक्सियों के टकराने की सबसे बढ़िया बात ये है कि जब ये विशाल गैलेक्सियां आपस में टकराती हैं तो इनके तारों की टक्कर नहीं होती। आप किसी एक तारे को ले लीजिए, अब एक और तारा देखिए, इनके बीच की दूरी इनके व्यास से लाखों गुना ज्यादा होती है। और गैलेक्टिक टक्कर के दौरान इनके एक दूसरे में समाने पर इस बात के कितने आसार हैं कि पृथ्वी टकराकर चूर चूर हो जाएगी? खगोल शास्त्रियों के अनुसार ये संभावना बहुत कम है। हर एक तारे के आसपास हमारे सौर मंडल की तरह कुछ ग्रह होते हैं। इनके बीच की दूरी भी बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि किसी भी एक ग्रह के दूसरे से टकराने की संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी को जरा भी खतरा नहीं है। लगभग 10% आसार हैं कि पृथ्वी अपने सूर्य और बाकी के सौर मंडल के साथ उछलकर इन टाइडल टेल के साथ बाहर चली जाएगी। और फिर हम बहुत दूर चले जाएंगे तब हम अपनी गैलेक्सी का विहंगम दृश्य देख पाएंगे, यानी तब हमें अपने आसमान में क्या दिखाई देगा ये इस बात पर निर्भर होगा कि हमारे सूर्य की कक्षा टक्कर के बाद कैसे बदलती है। तारे और ग्रह बिना किसी हादसे के एक दूसरे के नजदीक से गुजर सकते हैं, लेकिन गैस नहीं। गैलेक्टिक टक्करों का असली प्रभाव टकराती गैसों के कारण देखने को मिलता है। एंड्रोमेडा और आकाशगंगा दोनों में काफी गैस मौजूद है, यानी ये गैसें आपस में टकराएंगी और इससे बहुत बड़ा आघात पैदा होगा। इससे फौरन बहुत सारे तारे बन जाएंगे और हमारे पास शायद 10 अरब नए तारे बन जाएं। इसी को हम स्टार बर्स्ट कहते हैं और ऐसे अचानक तारों का जन्म होना गैलेक्सियों के आपस में मिलने का संकेत हो सकता है। यानी अगर हम इन गैलेक्सियों के अंदर मौजूद किसी ग्रह पर होते तो रात को आसमान बहुत ही शानदार होता, खासकर तब जब स्टार बर्स्ट चल रहा हो। तब आसमान उन विशाल तारों की आतिशबाजी से जगमगा उठेगा जिनका जन्म हो रहा हो। ये बहुत खतरनाक नहीं होना चाहिए अगर आप उन इलाकों के बहुत करीब ना हो जहां नए सितारे बन रहे हों।
लेकिन जब दो गैलेक्सियां मिलकर एक अंडाकार गैलेक्सी बनाती हैं, तब तारे बनने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। आपके पास एक साधारण गैलेक्सी है जो किसी दूसरे गैलेक्सी से टकरा जाती है। इससे बहुत बड़े स्तर में तारों का निर्माण होता है। बहुत ही नाटकीय स्टारबर्स्ट या तारों की वर्षा होती है और फिर बहुत ही थोड़े से वक्त में सारी गैस इस्तेमाल हो जाती है। आतिशबाजी खत्म हो जाती है और गैलेक्सी फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाती है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मिल्की वे और एंड्रोमेडा का मिलन कुछ खगोल शास्त्रियों के अनुसार मिल्कोमेडा कहलाएगा। तब इनके सघन मध्य भाग भी मिल जाएंगे और हर एक में होगा एक ब्लैक होल। एक गैलेक्सी का अति विशाल ब्लैक होल दूसरी गैलेक्सी का अति विशाल ब्लैक होल ढूंढ लेगा और वो एक गोल जोड़ी बन जाएंगे। उनकी कक्षा छोटी हो जाएगी और वो मिल जाएंगे और फिर उनसे भी बड़ा एक अति विशाल ब्लैक होल बन जाएगा। ये प्रक्रिया बहुत हिंसक होती है और इस दौरान गैसों के ब्लैक होल में जाने से एक बहुत ही चमकीले क्वेसार का निर्माण हो सकता है। मगर पृथ्वी को मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सियों की टक्कर के दौरान जो सबसे बड़ा खतरा है, उसका इस गैलेक्टिक टक्कर से कोई संबंध नहीं है। जब नई गैलेक्सी का जन्म हो रहा होगा, तब हमारा सूर्य गिन रहा होगा अपनी आखिरी घड़ियां। जीवन चक्र का उदाहरण तारों पर बिल्कुल सही बैठता है। यकीनन इनका जन्म होता है और ये तब होता है जब ये हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर ऊर्जा पैदा करते हैं। फिर इनका वयस्क जीवन आता है जब ये फूल कर बड़े हो जाते हैं और थोड़े ज्यादा चमकीले भी, और फिर जीवन के अंत में तो इनमें जबरदस्त बदलाव आते हैं। सूर्य की मौत तब होती है जब उसका ईंधन स्रोत खत्म हो जाता है और वो है हाइड्रोजन। तब ये एक लाल विशाल काय तारा बन जाता है। तब ये इतना बड़ा हो जाएगा कि उसका व्यास यहाँ तक होगा जहाँ अभी पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, यानी तब ये 15 से 16 करोड़ किलोमीटर तक चमकेगा। ये पृथ्वी पर मौजूद जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। पृथ्वी अपने समुद्र खो देगी, अपना वातावरण खो बैठेगी और फिर यहाँ जीवन नहीं बच पाएगा। अगर हम तब तक बच पाए, भविष्य में 2-4 अरब वर्षों तक रहे, तो फिर या तो हमें पड़ोस के सितारों पर उपनिवेश बस्तियां बसानी होंगी या फिर अपने तारे से दूर कहीं कोई कृत्रिम ग्रह बनाना होगा ताकि हम सुरक्षित दूरी पर बिल्कुल ठीक ठाक रहें। हालांकि हमारा आस पड़ोस जीवनहीन गर्म नरक बन जाएगा, लेकिन खगोल शास्त्रियों का मानना है कि नई मिल्कोमेडा गैलेक्सी में कहीं ना कहीं जीवन जरूर होगा। इस नई मिश्रित गैलेक्सी में लगभग 1 खरब तारे होंगे और इन तारों के अपने ग्रह होंगे। अगर इनमें से बहुत छोटी संख्या पर भी जीवन के लिए सही माहौल हुआ, तो ये आंकड़े इतने विशाल हैं कि हमें ये मानना ही पड़ता है कि मिल्कोमेडा नाम की नई गैलेक्सी में कई जगह ना सही, पर ये बात तो पक्की है कि कहीं ना कहीं जीवन जरूर होगा। और हमारे ब्रह्मांड में सबसे अहम मेल तो जीवन और मृत्यु का है। तारों, ब्लैक होल और यहाँ तक कि गैलेक्सियों के बीच होने वाली ये टक्करें उन बहुत सी हिंसक घटनाओं का उदाहरण हैं, जिनके बाद इनका सृजन नए रूप और नए आकार में होता है।